खानदा लग रहा है। 2000 years later. Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है स्वरा। मेरा नाम किशन, आप जानते ही होंगे of course. तो आज हम लोग करने वाले मग बैंग एंड आज हम लोग बुलदा का पिंक कलर का न्यूट्स है बुलदा का तो उसे हम ट्राई करने वाले हैं एंड उसके साथ साथ हम करने वाले मग बैंग एंड ढेर सारी बातें। तो चलो चलते हैं किचन में उसको बनाने के लिए। बनाने का पार्ट मैं स्किप कर दूंगी क्योंकि वो बाकी जैसे बुलदा नूडल्स आप लोग बनाते हैं ना वैसे ही है। तो हमारे पास तीन ये बचे हैं एंड वी हैव दीस। हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं। टेक दीस 1 2 3 हम खाने वाले ये तीन पैकेट बिकॉज़ हमें बहुत भूख है। नो नॉट तीन प्लीज खुशी भूख लगा हमको। सुन लोगे? सो गाइस हमारे पेट भरा हुआ है तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग बस दो पैकेट खाएंगे। ओके गाइस हम लोग अलग अलग बना रहे हैं। ये रहा किशन का, ये रहा मेरा। किशन का टूटा हुआ है बिल्कुल। मैं थोंगड़े की तरह क्या आ गई हूँ मैं आपके सामने बिना फिल्टर के। शट अप दिस वन मेकिंग सो मच नॉइज। तुम्हारा फेस लाइक द किड्स व्हिच इज इन आवर बेसमेंट देन वी आर लुकिंग सो ब्लैक ही। अब हम हिंदी में ही बात करेंगे। सॉरी मैनेजर आई कांट स्पीक इन हिंदी। सॉरी आई मीन आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। आई थिंक कि मैं इसका 1/4 डालने वाली हूँ सॉस। एक नंबर की फट्टू इंसान ये। मुझे कॉलेज जाना है और 12 बज रहे हैं। वीडियो बना के 3 बज जाएंगे क्योंकि तुम वैसे भी तो 3 बजे सोते हो फोन चला के। गलत, 4 बजे सोते हैं समझे। गाइस हम लोग महीने में एक बार आते हैं लेकिन जब आते हैं ना तो धमाका मचा देते हैं और आप लोग लाइव करते हो। उसका इतना वो नहीं होता है। बहन दिखा दो उन लोगों को, इतना तो कर सकती हो तुम। भाई दिखा दो ना। अरे पूरा सॉस डाल रहा, देख लो ना है तो देख लो, मतलब मत देखो, लिटरली पूरा है। आपकी गलती, आपने देखा नहीं। मैं भी तो पूरा डालूंगी। अंदर वाला तो मुझे यार एक नंबर की पागल हो तो अंदर वाला तुम्हारा ही है। अब ये फट गया ऐसा गंदा वाला तो ये ले लो। वो बाहर रखा था वहां पर तो कैसे करोगे यार। गाय दी भी चाहती मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ना बने इसलिए। जोकिंग या बेस्टीज गधे को कहूंगा। कहां कौवा तो इधर है। बूमरैंग बनाओ। बूमरैंग किशन रियल कैमरे से करो ना ज्यादा। ठीक है। ओ माय गॉड दैट लुक्स सो टेस्टी। गाइस इंस्टाग्राम फॉलो करो। सी इफ यू कैन सी एट दिस ब्यूटी। इसका तो और टेस्टी लग रहा हूँ। नो मैं हूँ शेफ, आई टोल्ड यू पिछले दिन मैं मास्टर शेफ था। माय गॉड गाइस सी ये हमारा चॉपस्टिक टूट गया। गाइस मैंने देखो स्टोरी में लगाई है, मुझे फॉलो कर लेना। ये है इसका फॉलोअर्स दिख ही नहीं रहा है। इन्होंने मेरा पैकेट फेंका था इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो बाकी हम खाने वाले हैं कुछ चॉकलेट्स। नहीं चॉकलेट नहीं खाने हम, वी विल ईट सम। हमारे पास वी हैव दिस मैग्नम और आई एम गोइंग टू ईट दिस चीज। Yes. साइज ऊपर से हम ये वाला चीज भी ऐड करेंगे। साइज डाल दिया है एंड किशन का नहीं क्योंकि किशन नहीं खाता है। हम सोच रहे हैं चिप्स एंड डिप्स खाएं क्योंकि नाचोस इज माय फेवरेट। मैं बहुत दिन बाद खाने वाली हूँ सो आई एम थिंकिंग कि हम उसे डिप्स के साथ खाएं। तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ अमूल चीज स्प्रेड। आई लव दैट। ये आइडिया मेरा था ये लेने का, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। एंड इसके पहले जो मैं यूज करती थी ना चीज डिप वो ये था कि वो जो ये वाला चीज नहीं होता है चेडर वाला उसको एक बोल में रख के और उसके अंदर चिपोटले सॉस डाल दो, चिपोटले जो भी हो एंड क्रीम चीज़ डाल दो एंड उसको माइक्रोवेव कर दो 30 seconds के लिए और वो बहुत अच्छा चीज़ी डिप बन जाता है। बट व्हेन आई गॉट दिस तो इतना मेहनत कौन करी यही खा लो उठा के। नेक्स्ट हम बैक ऑफ। सो नेक्स्ट हम लोग पियेंगे मैं तो रेड बुल पीऊंगी बिकॉज यू ऑल नो शट अप आई एम नॉट स्टिंग। मैं छपरी नहीं स्टिंग पीऊँ। किशन तुम क्या लोगे ये? ओके तो मेरा भाई अपना फ़ोन भूल गया एंड हम यहाँ पे सेटअप कर रहे थे। ओके तो अब वो फिर नीचे गया है लाने के लिए सामान अपना। इसका नूडल्स अच्छा लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों उसका अच्छा रहता है, मेरा नहीं अच्छा लगता है। मैं उसके फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ क्योंकि ये मैंने सेट कर दिया तो ये सेट ही रहेगा। अरे यार, अरे तो क्या हो गया यार? ठीक है यार
गाल में कोई हेयर टिप देना ताकि मेरे हेयर अच्छे लगे। सो गाइस हमने अपना सेटअप लगा लिया एंड मैं बता देती हूँ हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है नाचोस, मैग्नम आइसक्रीम, रेडबुल एंड बुलडॉग का रोजे फ्लेवर कार्बोनारा, नहीं बुलडॉग रोजे फ्लेवर सामियंग का। मेरे पास है लेस, चीज स्प्रेड तो है या चीजी डिप, नूडल्स, सेम नूडल्स और मैग्नम। इसलिए कहते हैं ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, या फिर तुम ही शो कर दो मेरा नूडल्स और तुम्हारा नूडल्स। So tasty, so creamy, just looking like a wow. ये? Okay guys, तो हम लोग बहुत सारे questions के answer भी करने वाले हैं. So are you guys ready? We are ready. So let's go. चलो thumbnail लेते हैं. We are not doing mukbang. We are like chit chat कर रहे हैं खाने के साथ जो कि हमारा favorite चीज है. Lays भी दिखाओ. Idiot. ठीक है पता है हमको. बच्चा थोड़ी कुछ चीज थोड़ी ना रांची पा रहा है. आये दिखाओ. Going to start. Yes. My hair tip देना please. किस चीज़ का? मेरा hair बहुत ख़राब है ही नहीं hair style. और face का? उसके लिए plastic surgery चाहिए मुझे. Yeah, you're right. First time we are going to eat. It's like same. जो pink वाला flavor आता है ना, बस ये क्या है पतला, वो थोड़ा मोटा रहता है। ये थोड़ा सा taste different है, थोड़ा sugary रहता है। कुछ ज़्यादा cheesy है ना, थोड़ा सा इसमें milk का taste आ रहा है, I guess, right? गिर गया मेरे bed पे। Professional. इतना हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो दीदी बताएंगी, व्हाट स्पोर्ट इज द मोस्ट बोरिंग, कौन सा ऐसा खेल या स्पोर्ट्स है जो आपको बहुत बोरिंग लगता है? क्रिकेट। क्यों? बिकॉज क्रिकेट में यू नो बस बल्ले से मारना रहता है। हाँ यार मैं समझ नहीं आता, 4 से 5 घंटे 20 घंटे तक चलता रहता है एंड Yeah, I don't like it. Yeah, it's very boring and there's no game. There's no fun. हाँ मेरी बुद्धि हो रही है ऐसे करने। My favorite chips nachos, I love that. My favorite chips Lay's, sponsor me. मैं जब भी PVR में जाती हूँ movies देखने के लिए, मैं हमेशा nachos, मैं nachos के लिए जाती हूँ movie देखने। 5 साल की जिंदगी में 5 बार या 4 बार गई होंगी वहाँ पर, literally. See. मेरा मैं setup जो है सस्ता था वो टूट जाएगा। मुझे लगा ये जो तीखा होगा ना तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आइसक्रीम की, बट ऐसा नहीं है। अरे मैग्नम आई थिंक मैं बहुत महीनों बाद खा रही हूँ, जब मेरे एग्जाम से तब मैंने खाया था। नो मैंने वहां से लखनऊ ना तब मैंने क्या खाया था। मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लव क्रिकेटर्स, नो हेट, बट मेरे ओपिनियन में जो गेम होता है क्रिकेट, इट्स वेरी बोरिंग। लाइक इट्स नॉट लाइक चेस, चेस में जैसे होता है ना कि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, यू नो। लूडो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऊनो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लूडो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट क्रिकेट कौन देखता है क्रिकेट यार? मैं देखती तो हूँ लेकिन इसलिए मुझे बहुत बोरिंग लगता है। खोल पाओगे इस जन्म में? नहीं, तुम करो बिल्ली का इनकी दिमाग खराब कर दिया। खट 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 खट, खट, खट। टिश्यू पेपर से लगा करो ना। कैसा था टिश्यू पेपर? सही है, साफ है, वो तो कैमरे में दिख जाएगा। खुशी मुझे भी क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद, लिटिल बहुत बोरिंग है और कोई वो नहीं है, और हर एक ओवर के बाद ऐड आ जाता है। यहाँ पे टीवी की बात नहीं हो रही है, ऐड की बात मत करो, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो एक्स्ट्रा बोल रहा, ऐड आ जाता है। सीरियल्स में भी हर 2 मिनट पे आता रहता है। मेरे सीरियल के बारे में एक शब्द बोलिएगा, कौन सा? लाला। मेरे MG गोपी और कोकिला के बारे में कुछ मत बोलिएगा, मेरे बारे में जो बोला वो बोल दो। What invention do you think is the most useless ever? ये useless invention आपको क्या लगता है? मुझे gravity, let me explain. भाई जो न्यूटन कौन डिस्कवर किया था? I don't know. न्यूटन थे और? I don't know. सेकंड कौन था यार? I don't know. अरे यार एल्बर्ट, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिसाइड किया था
आई मीन उन्होंने जब इन्वेंट किया था उनके ऊपर जब केला गिरा था, आई थिंक सेब गिरा था, एप्पल गिरा था, आई एम कंफ्यूज, इट इज आइंस्टाइन और न्यूटन, आई थिंक न्यूटन थे वो, उनके ऊपर जब एप्पल गिरा था या केला जो भी हो, उनको याद आया, उन्होंने इन्वेंट किया ग्रेविटी, उनको करना ही चाहिए था क्योंकि यार ग्रेविटी के इन्वेंशन के पहले भी लोग जिंदा थे, ग्रेविटी के इन्वेंशन के पहले भी लोग थे, राइट, काम होता था क्या तो उन्होंने इन्वेंट कर दिया, अब क्या है फालतू का। अच्छा तुम्हें नहीं लगता है कि उसका इतना बड़ा यूज है क्या? मुझे नहीं पता बट है ना, ग्रेविटी की वजह से हमें इतनी सारी चीजों का पता चला है। क्या पता चला ग्रेविटी? आई थिंक इट्स यूजलेस। इट इज नॉट यूजलेस, ओके, तुम यूजलेस हो इस धरती पे। व्हाई आर यू एक्टिंग सो हार्ड? ही लग रहा है इनका आइंस्टाइन हुआ था जीजा जी। मुझे तो लगता है कि ग्रेविटी का जो इन्वेंशन हुआ है दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज उसकी वजह से हमें यू नो बहुत सारी चीजों को पता चला है, उसकी वजह से बहुत सारे यू नो फॉर्मूला बने हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें यू नो वी नो नाउ। ग्रेविटी नहीं रहता तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम बिल्डिंग से कूद जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम नीचे गिरेंगे कि ऊपर। एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, नॉट जोक। जब ग्रेविटी इन्वेंट नहीं हुआ था, इन्वेंशन पहले लोग जैसे कूदते थे बिल्डिंग से, वो नीचे कूदते थे ऊपर? आपको कर नहीं रहा इफ यू थिंक हिज करंट भाई आते लाइक अनन्या। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which celebrity would you love to switch lives with? Rakhi Sawant. Just kidding. I'm not saying she is, you know, but if मौका मिलेगा तो I will choose Kylie. Kylie is not a celebrity, okay? Oh God. No, it's Kylie, not Kylie. अगर मुझे celebrity के साथ life change करने का मौका मिलता switch करने का तो मैं विराट को choose करता क्योंकि वो cricket का I think बहुत वो है। सर विराट कोहली है, विराट मुझे नहीं पता कोहली है। जो भी हो यार, जो क्या चाहते हो, क्रिकेटर है आई नो, लेकिन वो सेलिब्रिटी भी है, मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। अगर मुझे मौका मिलता लाइफ चेंज करने का अपनी खुद की तो मैं कोहली से करता क्योंकि मुझे नहीं लगता विराट उतना अच्छा खेलते हैं। चुप रहो, ये मत बोलो, ठीक है? क्यों? लोग तुमको सू कर देंगे। सू कर? अरे अगर कोई विराट का फैन है तो मुझे गुस्सा मत होना। अब मेरी क्या गलती, मुझे कोहली ज्यादा बेटर लगता है विराट। बीटल का कोई एक मेंबर ताकि लड़कियां मेरे दीदी या आई डोंट नो, ओके टेलर, नो टेलर नो, सॉरी गाइस इफ यू आर फैन ऑफ टेलर बट इट्स माय चॉइस, आई विल चूज काइली जेनर, आई लव हर, आई कैन चूज कैंडल सो आई कैन बी योर सिबलिंग, कैन बी बॉब रॉब, अगर मनी फैक्टर नहीं रहता, यानी अगर पैसे फंस रहते, पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं रहती, पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो आप कौन सी जॉब करती या क्या काम करती दिन भर? मैं तो एक कॉफी की शॉप खोला रहता, बच्चों को मारती, ये मेरा शिप की कैप्टन है। बिना कैप्टन की शिप, आई सर उस शिप पे कैप्टन रहती, शिप पे लेवल चढ़ गया, मुझे रेड अटक गया था एकदम, अटक गया था। तुम ही तो हंस रहे हो, कुछ मत करो यार दीदी, कसम से विद्या कसम अटक गया था। हेलो, व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट फेलियर? आपका बिगेस्ट फेलियर आपको लगता है क्या है? मेरा नहीं लेकिन मेरी मम्मी का पता है ये। तो क्या आप अपना बताओ, चलो इतने सारे हैं, कम ऑन, होल एग्जिस्टेंस आपका फेलियर है। शट अप, ओके पहले तुम आंसर दो। योर सिंगिंग करियर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तुम सिंगर भी थे? डोंट से बजो, तुम रात में 3 बजे गाते हो। सिंगिंग करियर है वो? मैंने बहुत ऑडिशन दिए, मैं सब में फेल हो गया। तुम्हें क्या लगा कि तुम टेलर स्विफ्ट बन जाओगे, ग्रैमी जीतोगे? आप बता चलो, बी दैट किड जो पहले बहुत हंसती थी, मतलब बहुत यू नो सॉफ्ट स्पोकन थी,
बट नाउ इतने सारे बैरियर है ना जिंदगी में कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, मतलब समझना होगा, यू कांट लव माइनर्स नाउ. एक्चुअली मेरा भी सिंगर बनने का सपना था. यू नो आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर. मैं बहुत प्लेबैक सिंगर. लेट मी, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. तू 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 मेरा, दैट्स द रीजन यू गॉट रिजेक्टेड. देख रहे हैं लोग अरमान मलिक कौन कौन है दिखा गाओ. सपोर्ट मी. तू सफर मेरा मर्द के बारे में गा रही है यार. बोल आवाज के बारे में नहीं पता है क्या? तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा तू ही ऐ दिल है मुश्किल. हमारे रिकॉर्ड है की तरह ले रहे थे कि यूट्यूब पे वीडियो डालना है ये. जब से फॉलोअर्स बढ़ गए पैसे आने लगे है. देखो भाई रेडबुल 135 रुपए, ये कितने का है? 99 रुपए, 100 रुपए. ये नूडल्स ये भी 100 रुपए, ये भी 100. ये चिप्स 50 रुपए. नाचोस कहाँ है? 5 रुपए का कुरकुरे खाती थी, पेड़े मेड़े. ये तो नाचोस खाया जा रहा है. वाह भाई वाह. 35 रुपए का चिप्स, छोटा फिर भी 35 रुपए का. हाँ 5 रुपए का कुरकुरे इतना बढ़ाता था. चीजी टेप बुझोला दो. कल की भी तैयारी हो रखी है. वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, फिर भी हम बनाते हैं वीडियो. तो यही मेरी हार्ड थिंग बीइंग अ यूट्यूबर. वी कांट स्टॉप नाउ. ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन था कि अगर मैं किसी पूल में कूदना होता, मतलब वो पूल किसी चीज का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पानी का, तो तुम किस पूल में कूदते, जंप मारते? अ पूल फुल ऑफ बीटीएस मेंबर्स. कट कर देना. ठीक है, कट कर देना. ठीक है, कट. पैसा ऑफ कोर्स. पैसा पूल में नोट भरा हुआ, डॉलर्स रुपीस उस पूल में, 500 के नोट. यार इसके अंदर चॉकलेट है, आई डोंट लाइक चॉकलेट. यू टेल. मैं विल टेल पीपल्स यू गाइस दे आर माइनर्स मोस्टली. हाँ जिस पूल में ढेर सारे डायमंड हो, लाइक कूदते मेरी खोपड़ी फूट जाए. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. एंड हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. किसको किसको ये जो फूट रहता है आपको दाद अगर करता तो गंदा लगता है? मत करो. बाय. अरे अच्छा ही निकल रहा है इसे. अब निकला ना. अच्छा हाँ बाय कृष्ण. क्यों अब मेरे रूम से फुट लो.